बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वहाँ मोहम्मद अमान कयूम, तुसी देख दे पे हो गंदारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने किया वे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारती हम मनसब नाल राबते दी कदी कोई कोशिश नहीं की थी। जबकि इस हवाले नाल हिंदुस्तान टाइम्स दी खबर बेबुनियाद ते हकायक दे मुनाफी है। भारतीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठा प्रोपीगंडा किया जाता पिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक एक और झूठी खबर मंजर आम ते आई है, जिस किया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारतीय हम मनसब नाल गल का ते राबते की कोशिश की थी। उन्होंने किया कि खबर बिल्कुल बेबुनियाद ते हकायक दे मुनाफी है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतही इजलास पंजाब पुलिस इस्लाहात लियाने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास से बाद मीडिया नाल गलकत करते हुए वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी ने किया कि इजलास में फैसला किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज से पंजाब पुलिस एक्ट ले आया जासी। यह तजुर्बा पहले के पी भी कामयाब रही आया। पंजाब के 100 पुलिस स्टेशन नू मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जासी, जबकि पुलिस कल्चर तब्दील करने वास्ते अफसरान ते अहलकाना की जदीद खतूत ते तरबियत की जासी। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, तमाम लोगों के साथ मीटिंग की है और फौरी तौर के ऊपर जो इस्लाहात हैं उनका फैसला किया गया। सो पहले मरहले में 100 जो पुलिस के 100 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब में, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की में एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा हमारा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया वे कि आवाम नु सेहत दी बेहतरीन ते मयारी सहूलियात दी फरामी हकूमत दी अवलीन तरजीहात इच शामिल है। उन्होंने इंडस हस्पताल पिछोड़ मनसूबे वसे अराजी दा मसला हल करने ते एक हफ्ते दे अंदर वाजिया सिम दा तायुन करने दी हिदायत की थी, ताकि इस अहम ते देरीना मनसूबे नु अमली शक्ल दीती जा सके। इंडोनेशिया दे सूबे सोलावेस डैम भरने की वजह नाल 30 अफराद हलाक जबकि 25 लापता हो गए। हुकाम का कहना है कि डैम भर जाने की वजह नाल आने वाले सैलाब के बायस हज़ारा अफराद नकल मकानी ते मजबूर हों, जबकि मुतासरीन वसे आरजी पनागावं कायम कर दी गई। दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई भारतीय फौज ने मकबूजा वादी फायरिंग करके मजीद 3 नौजवानों शहीद कर दिता है। कश्मीर मीडिया सेल के मुताबिक जिला बारामूला च भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिता वे, जिसके बाद पीर से लैके हूँ तक शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 9 हो गई है। गंदारा हिंको अकैडमी ने तहकीक के मैदान एक और संगे मील तय कर लिता वे। तो हिंको जुबान की 500 साल पुरानी बायजीद अंसारी की लिखी हुई किताब वट कहा यानी खैरुल बयान दरियाफ कर ली थी। मस्कूरा किताब 16वीं सदी ईस्वी के विच लिखी गई है। गंदारे इनको अकैडमी के तहत अंग्रेजी तहकीकी मकालिया से मुश्तमिल जर्नल मदर यानी मदर टंग होराइजन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे दुनिया भर के स्कॉलर के तहकीकी मुकाला शाया किए जाते हैं, 2 जिल्दा शाया हो चुकिया हूँ तो हूँ 3री जिल्द की अशा तकमील के मराहल च। इस जर्नल पाकिस्तान के मुख्तलिफ जुबानों के मुतालिक तहकीकी मकाले शाया किए जाते हैं। गंदारा हिंको अकैडमी ने हिंको जुबान के पहले साहिब दीवान शायर उस्ताद गुलाम रसूल घायल का कलाम शाया कर लिता वे। याद रवे कि इस किताब का पहला एडिशन 1960 मंजरेआम ते आया, जिस दी अदम दस्याबी की वजह नाल गंदारा हिंको अकैडमी ने हाल ही ची दोबारा शाया की थी। व्हाट्सएप ने सार्फीन की जानिब से एक ही मैसेज नू 5 से ज्यादा वार फॉरवर्ड करने से पाबंदी लगा दी थी। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी का फैसला सोशल मीडिया से जाली खबरें रोकने वास्ते किया गया है। इस साल भारत ते इंडोनेशिया च आम इंतखाबात होंदे पए, इस दौरान जाली खबरों को रोकने वास्ते एक दाम चुका गया, जबकि एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 256 अफराद शामिल किए जा सकते हैं। दुनिया भर पोलियो से मुतासर एक शख्स भी रहा, इस जरिए दूसरे लोग भी मुतासर हो सन। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी शख्स ने ईजाद की थी, जिसके बाद बैक्टीरिया से बचाओ की अद्वियात इस गैर मामूली इजाफा देखने जाया। बाद अजा 1960 बाकायदा तौर पर दुनिया मेडिकल रेवोल्यूशन आया तो अमवाद की शरह खासी कमी देखने जाई। इस दे बरअक्स मीडिया रेवोल्यूशन से कबल इंसानी अमवाद की शरह बहुत ज़्यादा आई।
वक्त दे नाल नाल जिथे इंसानी जान की हिफाजत नसबुल ऐन बढ़ाया गया उथे ही सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने वास्ते भी इकदाम तेज किए गए। मौलिक बीमारियां सी बचाओ वास्ते एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान ते जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 एक रोजा मैचिस ते मुश्तमिल सीरीज का तीसरा मैच अज खेडा जा सी। कैप टाउन खेले गए दूसरे वनडे शिकस्त के बाद कौमी टीम अज सेंचुरियन जनूबी अफ्रीका के मदे मुकाबिल हो सी ते मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हो सी। पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म जवानी फिर नहीं आनी सीरीज की तीसरी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 3 बनाने की तैयारियां जारी हुई। नामवर पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद ने सोशल मीडिया से मीडिया फिल्मों के शायकीन वास्ते अच्छी खबर देंदे हुए किया वे कि पाकिस्तान की कामयाब तरीन सीरीज जवानी फिर नहीं आनी की तीसरी फिल्म जवानी फिर न यानी 3 की तैयारियां जोरों शोर नाल जारी हुन। फिल्म में हुमायूं सईद के अलावा अदाकार फहद मुस्तफा ते वासे चौधरी भी मौजूद हुन। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई नवी खबरां नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज।